इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अ रोड साइड स्टैंड इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है और उसका मीनिंग हम लोगों ने अभी जान लिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इस पोएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इन क्वेश्चन एंड आंसर को अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को चाहे कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्यों ना पूछ लिया जाए, आप उसका आंसर अच्छे से लिख पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सिटी फोक हु ड्रो थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड और टू द पीपल हु रैन इट। इफ एट ऑल दे डिड, इट वॉज टू कंप्लेन। विच लाइन ब्रिंग्स दिस आउट, वॉट वॉज देयर कंप्लेंट अबाउट? तो एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वो जो गांव के लोग हैं, इस केस में जो रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है इसके बारे में वो कभी सोचते नहीं है, लेकिन वो कंप्लेंट करते हैं। तो इस तरह की भावना हमें कौन से लाइन्स में से पता चलती है और साथ ही साथ उनकी आखिर कंप्लेंट क्या थी? तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजा के अंदर जब आप देखते हो तो इन लोगों की कंप्लेंट ये रहती है कि ये जो सारे लोग हैं, ये लैंडस्केप को ख़राब कर रहे हैं। इस तरह की जो दुकानें हैं उनको लगा के वो जो लैंडस्केप है उसे ख़राब कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी कंप्लेंट ये भी होती है कि जो ओनर है उसने नॉर्थ और साउथ, यन और यस, ये जो साइंस है उनको गलत तरीके से लगाया है, ऐसा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? अभी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने रोड साइड स्टैंड पुट अप किया है, लगाया है, उनकी आखिर प्ली क्या है, उनकी आखिर प्रॉब्लम्स क्या है, या फिर उनकी रिक्वेस्ट क्या है? तो इन लोगों की रिक्वेस्ट है कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं, जो सिटी फोक्स है, वो लोग सिटी से रूरल एरिया में, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनको पैसा दे, या फिर उनकी सिंपल भाषा में अगर कहें तो जो ये लोग रोड साइड से गुजर रहे, जो रोड से गुजर रहे हैं, ये लोग जब रुके तो इनके पास से कुछ सामान खरीदे, जिससे कि उनके पास पैसा आए और वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर पाए। ठीक उसी तरह से जैसे मूविंग पिक्चर्स में या फिर फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह से अपने लाइफस्टाइल को भी वो इम्प्रूव कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल बट एक्चुअली डू देम नो गुड। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट द पोएट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, साथ ही साथ कुछ एजेंसीज हैं, वो लोग दिखावा करते हैं कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये हमें पता चलता है स्टांजा 2 के इन लाइनों से, जहाँ पे वो कहते हैं कि व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशियंट बेस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर वीड्स एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। ये जो 5 लाइनें हैं, इनमें हमें पता चलता है कि जैसे पुराने ज़माने से होता आया है, जैसे अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, पावरफुल लोग लेस पावरफुल लोगों का शोषण करते हैं, ठीक उसी तरह से आज भी होता आया है। जो ग्रीडी लोग हैं, जो लालची लोग हैं, वो अच्छाई का दिखावा करते हैं, और जो दान करने वाले लोग हैं वो दान के रूप में छोटा सा दान करते हैं, लेकिन वो शिकार बनाते हैं इन गरीब लोगों को, और अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे दिखावा करते हैं और इन लोगों की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इन लोगों से पैसा लूट कर या फिर इन लोगों को मूर्ख बनाकर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज़ इट इन वेन? अब वो कह रहे हैं जो चाइल्डिश लॉन्गिंग की बात पोएट कर रहे हैं वो है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो अमीर लोग हैं या शहर में रहने वाले लोग हैं, वो इन लोगों से खरीदी करेंगे। साथ ही साथ ये लोग उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इनके लिए कुछ अच्छा करेगी और इन लोगों की ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाएगी।
जबकि पोइट की माने तो उन्हें लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल ही असंभव है, इम्पॉसिबल है। और उन्हें ये चीज़ें जैसे छोटे बच्चे की आशा भाव होता है, चाइल्डिश लॉन्गिंग होती है, उसके समीप प्रतीत होती है और उन्हें लगता है कि ये वेस्ट है, इन वेन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 5, विच लाइन टेल्स अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोइट फील्स एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पेन। अब यहाँ पे इनसफरेबल पेन, जहाँ पे पोइट कहते हैं कि वो अभी बियर नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें ये जो दुख है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ लाइन्स है यहाँ पे। वो कहते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। अब वो कह रहे हैं कि वो कभी कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि इतनी ज़्यादा आशावाद, इतना ज़्यादा बच्चों की तरह आशावाद ये लोग आखिर कैसे रख पाते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, यू कुड स्टॉप एट अ ढाबा और अ रोड साइड ईटरी ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ योर टाउन और सिटी टू सी हाउ मेनी ट्रैवलर स्टॉप देयर टू ईट। आप ऐसा कर सकते हो, जब आप घूमने जाएं तो आप देख सकते हो कि कितने ट्रैवलर रुकते हैं, हाउ मेनी ट्रैवलर स्टॉप फॉर अदर रीजंस, और आप ये भी देख सकते हैं कि वो जो ढाबा है वहाँ पे कितने लोग खाना खाने के लिए रुके हैं और कितने लोग अदर रीजन से, बाकी के कामों से, हो सकता है सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए या फिर सिर्फ वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के लिए, पानी पीने के लिए रुके होते हैं। हाउ द शॉपकीपर्स आर ट्रीटेड, साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उन्हें किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, उन्हें प्यार से रखा जाता है या रिस्पेक्ट दिया जाता है। द काइंड ऑफ बिजनेस द शॉपकीपर्स डू, आप ये भी देख सकते हो कि किस तरह का बिजनेस चलता है रोड साइड स्टैंड पे। द काइंड ऑफ लाइफ दे लीड, आप कोशिश कर सकते हो कि किस तरह की ज़िंदगी वो लोग बिताते हैं। ऐसा करने से आपको ये जो पोएम है इसका एक्चुअल फील आएगा और आप इस पोएम के साथ सिंपथाइज कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये जो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई है इनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इनका लाइन बाय लाइन मीनिंग समझ लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप आपकी ज़िंदगी में इन लोगों के प्रॉब्लम समझो, जिससे कि पढ़ लिख कर जब आप बड़े बन जाओगे तो आप इन लोगों के लिए कुछ कर पाओ। हो सकता है कल को आप IAS IPS बन जाओ या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन जाओ, जब आपको पता होगा कि इन लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है तो आप कोशिश कर सकते हो और इन लोगों की ज़िंदगी और अच्छी बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गए, सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट लिखकर ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।